जब सवाल देश पर उठने लगे, जब समर्थन देश विरोधी ताकतों का होने लगे, तो वैचारिक मरम्मत करना जरूरी हो जाता है। उसमें भी जब आरोपों के घेरे में किसी देश का प्रधानमंत्री हो तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। सत्ता की वर्कशॉप में चलने से पहले आपको उस नेता का संक्षिप्त परिचय करा देते हैं जो अपनी नीति और नियत को लेकर कटघरे में खड़ा हुआ है। इनका पूरा नाम है जस्टिन ट्रूडो, जो इस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। हमेशा विवादों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इनका काम है खालिस्तान समर्थकों के वोटों के खींचने के लिए भारत विरोधी एजेंडा चलाना। इनके शासनकाल में भारत और कनाडा के संबंधों वाला रिकॉर्ड इतना खराब है कि ये पिछले 8 वर्षों से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार भी कनाडा का दौरा नहीं किया। खैर, इन्होंने रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनाया, इन्हें भारत विरोधी पॉलिसी विरासत में मिली है। जस्टिन ट्रूडो के पिता पर भी खालिस्तान समर्थन के आरोप लगे थे और उस दौरान भारत की सरकार से भी कनाडा के रिश्ते मधुर नहीं थे। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा देते रहते हैं। ट्रूडो की जुबान पर भारत विरोधी जहर है और ख्यालों में खालिस्तान है। इनकी हरकतों और भारत पर झूठे आरोपों को देखते हुए न्यूज मित्रों की भारी डिमांड पर हमने सत्ता की वर्कशॉप में जस्टिन ट्रूडो के वैचारिक पेंच कसने का फैसला किया है। तो अब बिना वक्त गवाए सत्ता की वर्कशॉप का हम शटर उठाते हैं और उस सब के बीच में आपको बता देते हैं कि आज की इस वर्कशॉप को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें कई ऐसे पहलू हैं। जस्टिन ट्रूडो, उनकी वैचारिक मरम्मत तो हम करेंगे, लेकिन आपको आज ये भी पता चलेगा कि कैसे खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में बैठ करके भारत विरोधी साजिशें रचते हैं और वहां की सरकार उनको कैसे संरक्षण देती है। तो जैसा कि इस वर्कशॉप की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारे पास यहाँ तमाम तरीके के औजार मौजूद हैं। हथौड़ा मौजूद है, इसके अलावा पेचकस मौजूद है, प्लास पाना सब कुछ है। और सत्ता की वर्कशॉप शुरू करने से पहले हर बार की तरह जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये औजार हमारे पास हैं तो सही, पेचकस हथौड़ा सब कुछ, लेकिन हम ये वर्कशॉप जो करते हैं वो अपने तथ्यों से, अपने तर्कों से, अपने शब्दों के जरिए उन लोगों की वैचारिक मरम्मत करते हैं जो भारत के खिलाफ बातें करते हैं। तो सत्ता की वर्कशॉप खुल चुकी है, हमारे पास ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, पेचकस है, प्लास है, पाना है, हथौड़ा सब कुछ मौजूद है। आरोप बेहद गंभीर हैं, लिहाजा आज सारे टूल्स के इस्तेमाल का दिन है। जनरली जब हम सत्ता की वर्कशॉप करते हैं तो किसी एक औजार को ले लेते हैं, या तो पेचकस ले लेते हैं, हथौड़ा ले लेते हैं, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है, इसलिए आज इन सब का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हमारे पास पेचकस है, इससे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम के पेंच कसेंगे जो चंद वोट और सत्ता की चाहत में खालिस्तानी एजेंडे की दिशा में फिट हो गए हैं। हमारे पास प्लास भी है, इससे ट्रूडो के खालिस्तानियों के संरक्षण वाले विचारों को लाइन पर लाएंगे और ये बताएंगे कि खालिस्तान समर्थकों के संरक्षण का अंजाम क्या हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, हथौड़ा। हमारे पास हथौड़ा ये है, जस्टिन ट्रूडो के जो खालिस्तानी झूठ है उससे सच के हथौड़े से चोट करेंगे ताकि ट्रूडो के झूठे दावों की पोल खुले और उनका भारत विरोधी प्रोपोगेंडा दुनिया के सामने आए। पाना भी है हमारे पास, कुछ ऐतिहासिक सबूतों वाले पाने से ट्रूडो की सोच को आज हम टाइट करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वैचारिक मरम्मत की आज हमें यहां पर जरूरत पड़ी है और इसके लिए आज हमें क्यों सत्ता की वर्कशॉप को खोलना पड़ा है, हथौड़ा, पेचकस, पाना, प्लास का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा है। वैसे तो ट्रूडो हमेशा से भारत विरोधी राग अलापते रहे हैं, लेकिन G20 समिट में शामिल होने के बाद से उनके इस रुख में और भी बदलाव देखने को मिला है। ये तब देखने को मिला जब कनाडा की संसद में उन्होंने भारत पर झूठे आरोप लगाए। कनाडा ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला उठाया। उन्होंने कहा कनाडा की धरती पर किसी नागरिक की हत्या करवाने में विदेशी सरकार का शामिल होना हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इस हत्या की जांच में सहयोग देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। यह भी कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के संभावित कनेक्शन के आरोपों की जांच कर रही हैं। आप पहले जस्टिन ट्रूडो के आधारहीन, सबूत विहीन, सच रहित पूरे बयान को सुन लीजिए।
Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. तो सत्ता में ट्रूडो की वैचारिक मरम्मत तो हम तसल्ली बख्श तरीके से कर ही रहे हैं। भारत सरकार पहले से ही कनाडा के प्रधानमंत्री को लाइन पर लाने के लिए कूटनीतिक मरम्मत कर चुकी है, इसकी तस्वीर भी सामने आई है। भारत सरकार ने देश में मौजूद कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया है। उन्हें देश छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट ओलिवियर सिल्वेस्टर को तलब किया गया और सिर्फ 4 मिनट के अंदर ये संदेश दे दिया गया कि अगले 5 दिनों में देश छोड़ दें। वहीं दूसरी ओर कनाडा के पीएम के आरोपों का साफ साफ जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के सामने भी ये बात रखी थी, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। इस तरीके के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इन्हें कनाडा में पनाह दी गई और ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। कनाडा के प्रोपोगेंडा और भारत के सख्त एक्शन को लेकर हर तरफ से ट्रूडो पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे ये मामला अब बहुत गंभीर रूप ले चुका है। कनाडा की कूटनीतिक मरम्मत की अब नौबत आ गई। We will protect Canada's sovereignty. I have conveyed these principles to my Indian counterpart. And I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. ये पछताएंगे तो उनको लगेगा कि कहीं गलत हुआ है। ये इलेक्शन के बाद में हो, इलेक्शन से पहले हो, क्योंकि वोट चाहिए। तुम जो मन में आया करो, मारो धाड़ो, हम हिंदुस्तानी डिप्लोमेट को निकाल देंगे। गलत किया है बहुत। ये सिर्फ इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते हुए इनको ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रही है कि अपना इंटरनेशनल रिलेशंस खत्म करने में लगे हुए हैं। और इस तरीके के आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना ऐसे एलिमेंट्स को लेकर के जो हमारे देश में उत्पाद मचा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात के ऊपर अपना पक्ष जो है वो जुट के जो एलिगेशन उन्होंने इंडिया के ऊपर लगाने की कोशिश की है, उससे इंडिया की अपनी रेपुटेशन का भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कनाडा ने, भारत ने जो ट्रेड का ये एग्रीमेंट की वार्ता को रोका है, उसके रिस्पांस में ये भारत के खिलाफ कदम उठाया। कनाडा इस मुद्दे को बेवजह बेबुनियाद दुनिया में फैला रहा है, बल्कि इसका तो हमें संज्ञान और भी लेना चाहिए। तो जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम को लेकर हमने एक खास कुंडली तैयार की है, जिसमें 3 सबूत के साथ ट्रूडो की भारत विरोधी गतिविधियों को हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले उसकी चर्चा करते हैं जिसके प्रेम में जस्टिन ट्रूडो भारत से पंगा ले रहे हैं, जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो अपनी संसद से झूठे आरोप लगा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जिस हरदीप सिंह निज्जर के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, वो कुख्यात आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF का सरगना था। भारत के 40 टॉप आतंकवादियों की सूची में शामिल था। कनाडा में बैठकर आतंकी संगठन KTF को ऑपरेट कर रहा था। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने में उसकी भूमिका थी। पंजाब में हिंसा और क्राइम से जुड़े कई केसों में निज्जर और उसके संगठन का नाम सामने आया था। इसके बाद ही उसे वॉन्टेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाला गया। NIA निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी। KTF का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तक समर्थन कर रही है। NIA ने जुलाई 2022 में हरदीप सिंह निज्जर को भगोड़ा घोषित किया था। आपको बता दें, KTF के सदस्यों ने ही साल 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की थी। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जालंधर का रहने वाला था। साल 1992 में कनाडा चला गया था। उसके बाद वो कभी वापस गांव नहीं आया। 3 साल पहले उसका पूरा परिवार भी कनाडा में बस गया।
सितंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया। इसके बाद निज्जर की जालंधर के भारसिंहपुरा गांव की प्रॉपर्टी भी कुर्क कर ली गई थी। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास दो अज्ञात बंदूकधारियों ने उसको गोली मार दी थी। निज्जर इस गुरुद्वारे का संचालन करने वाली कमेटी का प्रधान भी था। जो निज्जर इतना खूंखार था, जो खालिस्तानी आतंकी इस तरीके से भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल रहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के लिए प्रेम दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहें। सवाल है कैसे। ट्रूडो की खालिस्तानी गतिविधियों वाली पूरी लिस्ट हमारे पास है। जून 2017 में जब खालिस्तानियों ने खालसा डे परेड का आयोजन किया था, उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उस परेड में हिस्सा लिया था। उस परेड में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए जर्नैल सिंह भिंडरावाले को हीरो के रूप में पेश किया गया था। वहीं जनवरी 2018 में जब कनाडा के 16 गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी, तब भी ट्रूडो सरकार की तरफ से एक बयान भी जारी नहीं किया गया था। इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताकर रफा दफा कर दिया गया था। इसके अलावा साल 2021 में जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी जस्टिन ट्रूडो ने भारत के आंतरिक मामले में दखलंदाजी करने का दुस्साहस किया था और प्रोपोगंडा भी चलाया था। जब विरोध का स्वर पीढ़ी दर पीढ़ी तेज होता जाए तो वैचारिक मरम्मत और ज्यादा जरूरी हो जाती है। और हम बार बार कह रहे हैं कि जब हम वैचारिक मरम्मत कर रहे हैं तो हमारी वर्कशॉप में हमने वैसे अपने पास कई औजार रखे हुए हैं और इन औजारों को हम अपने शब्दों तर्कों के साथ जोड़ करके दिखा रहे हैं। ये सिर्फ प्रतीक के तौर पर हथौड़ा है या फिर पेचकस है या प्लास है या पाना है, लेकिन हम अपने शब्दों को ही ऐसा हथौड़ा बना लेते हैं, अपने तर्कों को ऐसा पेचकस बना लेते हैं जिससे कि जिसकी वैचारिक मरम्मत कर रहे हैं वो ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए। जस्टिन ट्रूडो के पिता के भारत को लेकर ख्यालात इसी तरीके के रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरो ट्रूडो साल 1984 में कनाडा के प्रधानमंत्री थे और उस वक्त उन पर भी तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने खालिस्तानियों को समर्थन देने का आरोप लगाया था और उस वक्त भी दोनों देशों के संबंध बिगड़े थे। कनाडा के पत्रकार टेरी मिलिस्की ने अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 ईयर्स ऑफ ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कैसे पियर ट्रूडो ने कनाडा में खालिस्तानियों को सींचने का काम किया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 1980 के दशक में अलग सिख राज्य की मांग को लेकर खालिस्तान आंदोलन भारत के बाहर कनाडा में भी हो रहा था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाने और भारतीय लोगों को टारगेट किए जाने का विरोध जताते हुए कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो से इसकी शिकायत की थी। लेकिन पियर ट्रूडो ने इंदिरा गांधी की बात को कुछ खास तवज्जो नहीं दी। बाद में इस ढील का सबसे खौफनाक अंजाम यह हुआ कि 23 जून 1985 को कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया के विमान में बम रखकर उसे उड़ा दिया। इसमें 329 लोगों की मौत हो गई। जस्टिन ट्रूडो जब से कनाडा की सत्ता में आए हैं वो विवादों में रहे हैं, खास तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर के। जस्टिन ट्रूडो की बयानबाजी, राजनीतिक फैसले, सब कुछ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलते जुलते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके सबूत कनाडा के नेता ही देंगे, लेकिन इमरान खान से इनके विचार कैसे मिलते हैं जरा ये देख लीजिए। ट्रूडो भी इमरान खान की तरह ही राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए पीएम मोदी का नाम लेकर हमला करते हैं। इमरान खान पीएम रहते हुए पाकिस्तान में आतंकवादियों पर कार्रवाई उन्होंने नहीं की। जस्टिन ट्रूडो इस वक्त, जैसा कि हमने आपको बताया और दिखाया, खालिस्तानियों के साथ वही कर रहे हैं। इमरान खान भी बिना सबूत झूठे आरोप लगाते थे, जस्टिन ट्रूडो भी सोचे समझे बिना, सबूत के बिना झूठे आरोप लगाते हैं। इमरान खान ने घरेलू राजनीति के दबाव में विदेश नीति तय की, ट्रूडो भी घरेलू राजनीति के दबाव में विदेश नीति तय कर रहे हैं। दोनों के वैचारिक कनेक्शन वाली छोटी सी झलक भी इनके बयानों में आप देख लीजिए। Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. Narendra Modi, tum
ये जो तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं। मोदी, इस गलत फहमी में ना रहना। तो इन दोनों के बयानों को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों को सिर्फ इस हथौड़े की नहीं, बल्कि ये जो बड़ी वाले हम पाना लेकर चलते हैं, इस तरीके के हमारे जो शब्दों के औजार हैं उनसे मरम्मत की ज़रूरत होगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितने ही वैचारिक तौर पर मरम्मत कर लें, लेकिन उन्हें सुधरने में वक्त लगता है। वैसे वैचारिक मरम्मत की ज़रूरत सिर्फ जस्टिन ट्रूडो को ही नहीं है। आज पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत होगी। आज सत्ता की वर्कशॉप में बिलावल भुट्टो की सोच को भी रिपेयर वर्क की जरूरत है। इसके लिए प्लास और पाना भी हमारे पास तैयार है, लेकिन आज वर्कशॉप खाली नहीं है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जल्द ही उनका नंबर भी आएगा। फिलहाल आप बिलावल भुट्टो का बयान सुन लीजिए और फिर आप महसूस कीजिए कि बिलावल को शायद जस्टिन ट्रूडो से भी ज्यादा वर्कशॉप में ला करके वैचारिक मरम्मत करने की जरूरत है। दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और खास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त है वो भारत के इस किस्म के वाकयात को इग्नोर करते रहेंगे? इट इज टाइम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्सेप्ट दैट इंडिया हैज बिकम अ रोग हिंदुत्वा टेररिस्ट स्टेट। वैसे एक सच ये भी है कि कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं, जब आप गाड़ियों की वर्कशॉप में जाते हैं उसके कितने ही आप पेच टाइट कर लीजिए, कितने ही उसमें तमाम हथियार इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन वो गाड़ियाँ बेकार हो जाती हैं, उनकी कबाड़ वाली स्थिति हो जाती है। और पाकिस्तान की स्थिति भी लगभग वैसी ही हो चुकी है। जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक समझ इमरान खान जैसी ज़रूर है, लेकिन चीन के साथ रिश्तों को लेकर मामला थोड़ा अलग है। जिस तरह भारत ने कनाडा के पीएम की वैचारिक मरम्मत की है, ठीक उसी तरीके से चीन भी कनाडा की मरम्मत कर चुका है, वो भी तसल्ली से। वैसे चीन की नीति और नीयत भी भारत के खिलाफ रही है, लेकिन जब किसी के राजनीतिक ज्ञान का पेंच ही ढीला हो तो मरम्मत कोई भी कर सकता है। चीन ने कैसे कनाडा के पीएम की मरम्मत की थी ये भी देख लीजिए। If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have, we will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on and we will have to continue. Let's create the conditions first. और सत्ता की वर्कशॉप में अब वक्त है मरम्मत के बाद तीन मैसेज की डिलीवरी का। मैसेज नंबर वन, जो भारत को खंड खंड करने का इरादा रखते हैं उनके लिए भारत की अखंड नीति है, जैसे को तैसा। नंबर दो, भारत का प्रण है देश को बांटने वाला या उनका समर्थन करने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सरकार ने कनाडा को करारा जवाब दिया है। ट्रूडो सोच रहे थे वो भारत को दिक्कत की डिलीवरी कर देंगे, लेकिन भारत के तेवर ऐसे हैं कि कूटनीतिक दिक्कत खुद समेत पूरे सूद समेत उनको वापस कर दी गई। और मैसेज नंबर तीन, खालिस्तानियों का ख्वाब भारत में तो पूरा नहीं हो सकता, इसका कोई चांस नहीं है, लेकिन कनाडा में खालिस्तानियों की गतिविधियां देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये लोग कनाडा की पूरी सत्ता पर ही कब्जा कर लेंगे। वो दिन ऐसा होगा जब जस्टिन ट्रूडो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। तो हम जैसा कि आपसे बार बार कहते हैं कि जब जब ऐसे लोग जो कि भारत के खिलाफ एजेंडा बनाते हैं, प्रोपोगेंडा बनाते हैं, उन्हें हम सत्ता की वर्कशॉप में लेकर आते हैं, और आज जस्टिन ट्रूडो को इस सत्ता की वर्कशॉप में लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं और भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं।